हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति दिवाकर। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ बहुत बढ़िया और मैं आई हुई हूँ नोएडा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल थोड़ा सा घूमने। बच्चे काफ़ी दिनों से यहीं पर घर पर थे, कहीं गए नहीं थे इतने दिनों से। तो मैंने पहनी ये ब्यूटीफुल सी शर्ट और साथ में कैरी की है मैंने वाइट डेनिम। तो आज का लुक मेरा ये रहेगा और साथ में मैंने पहने ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स पास से देख लो। और मम्मी यहाँ पर रेडी है मेरी, तो हम दोनों बन के जा रहे हैं रेड कलर के। और यहाँ पर बैठा है आयुष, आयुष भी ऑलमोस्ट रेड एंड ब्लू है। तो अभी हम जा रहे हैं और भाभी का लुक भी मैं दिखाती हूँ कि क्या पहन के जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मॉल पहुँच गए। ओके, बाय बाय। अभी हो चुका है रेडी, देखता है अपना टीवी पूरे दिन और यहाँ देख रहा है फोन अपनी दादी से छीन छीन कर। पूरे दिन इसको फोन ही चाहिए भाई, और पूरे दिन इसको टीवी चाहिए, और टॉयज पूरे इसने बिखेर रखी, इसकी गाड़ी, इसके टॉयज सब बिक रहे थे। जिसका भी घर बच्चों वाला होता है उनके टॉयज ऐसे ही फैले रहते हैं। ये देखो, सब बच्चों को फोन चाहिए। सूर्य से हेलो, आर यू स्लीपिंग। भाभी भी तैयार हमारी, और इन्होंने पहनी है ब्यूटीफुल सी ड्रेस। देख रहे हैं यहाँ पर फोन अपना मजे से, और हो गए रेडी। ये देखो योगा भी कर रहा है साथ में, ये लगा लिया है सॉन्ग और ये कर रहा है डांस अपना। ये डांस हो गया, अपने इयररिंग्स चेंज कर लिए। मैंने पहन लिए ये वाले इयररिंग्स, आप बताओ कैसे लग रहे हैं ये वाले इयररिंग्स। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने पहन लिए, छोटे वाले उतार दिए, आप बताना कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मॉल पहुँच कर, ठीक है, बाय। सो गाइज, हम जा रहे हैं अब मॉल। तो नीचे उतर गए हम और भाभी भी आ चुके हैं नीचे। तो हमारा ऑटो भी बाहर खड़ा हुआ है और हमने ले लिए थे रास्ते में से ही, स्टार्टिंग से ही बनानास, बच्चों को खिला दिया केक, इनका हो गया पेट फुल। और आगे की तरफ हम जा रहे हैं, सीधे फ्लाईओवर से जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से मॉल का, तो फ्लाईओवर से हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने एक एक केला खा लिया है और आराम से हम जा रहे हैं देखते हुए व्यू। तो रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था, थोड़ा ठंडा ठंडा भी था बाहर। हम फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल, DLF मॉल, जो कि है नोएडा में, और नोएडा सेक्टर 18 में है ये। यस वाले पे, नो वाले पे नहीं जा रहे हम, नो वाले पे नहीं जा रहे, नो वाले पे नहीं जा रहे, नो वाले पे नहीं जाना पड़ता। सो गाइज, DLF का जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर ऐसा ना आपको प्लेइंग जोन मिलेगा, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइड्स भी मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखो, ये बड़ों के लिए 360 वाली राइड भी अवेलेबल थी, लेकिन मिनिमम जो यहाँ पे आपको कार्ड रिचार्ज कराना पड़ेगा ना, वो 1500 रुपीज़ का होगा। तो 1500 का कार्ड रिचार्ज आप कराओ, उसके बाद जो भी गेम्स आपको खेलने हैं वो गेम्स आप खेल सकते हो, राइड्स भी ले सकते हो, बड़े भी ले सकते हैं। कुछ राइड्स ऐसी हैं, और मैं यहाँ वेट कर रही थी आयुष का, जो बैठा हुआ है अभी बाइक पे। यहाँ पे शोर है, बैठा है घड़ी में। यहाँ पे है मॉन्स्टर वाला घर, जिसमें है काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स, और ये जेल में है कोई बंदा, और भाई यहाँ कोई बचाने के लिए भी आ रहा है। ये देखो ब्लू वाली लाइट कितनी खतरनाक है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। ये है मॉन्स्टर वाला कोई गेम, मैम पॉक। तो यहाँ पे बैठा हुआ शौर्य, और इधर बैठा हुआ है आयुष।
और यहाँ दोनों भाई बैठ चुके हैं गाड़ी में, गाड़ी चल नहीं रही है बट दोनों बैठे हुए अपना चलाने में लगे हुए हैं। और मैं क्यों पीछे रहूँ, तो इन लोगों के साथ मैं भी बैठ चुकी हूँ इशारे के साथ, तो मैं भी एक्सपीरियंस कर ली कि भाई छोटे बच्चों की गाड़ी में बैठ के कैसे लगता है, तो मैंने उसके भी मज़े ले लिए। और ये देखो मैं इशारे के साथ बैठ के जा रही हूँ गाड़ी से, इधर चला रहा था आयुष अपनी गाड़ी, और उसके बाद हमने ये वाला गेम खेला आयुष ने, और इसमें इसको ज़ोंबीज़ जो थे उनको मारना था। उसके बाद में हम अब नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं कुछ खाने की, तो चलिए चलते हैं गाइस नीचे की तरफ। आयुष तो यहाँ से उठ ही नहीं रहा था क्योंकि उसको ये वाला गेम बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद में हमने बॉल वाला गेम भी खेला। भागे थे इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढने आन के लाए पकड़ के, बहुत आगे चले गए थे भीड़ में, तो फाइनली हमें मिल गया है। चलो जाओ, फंस गया है वो। सो गाइज ऊपर से आ गए हम नीचे, तो सामने DLF मॉल में आपको हैमलीज भी मिलेगा। हम उस वहाँ पर गए और वहाँ पर मिल गई आयुष को ये वाली गाड़ी, तो आयुष चला रहा था ये, और इतने हम लोग ले रहे थे टिकट्स मिरर मेज के, इतने में फिर मम्मी भी थक गई थी, थोड़ा वॉक करा रही हैं शौर्य को, और आयुष कर रहे हैं अपने टॉय सेलेक्ट, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को ये भी दिला दो वो भी दिला दो। इसके पास सारे टॉयज़ हैं बट स्टिल बच्चे चाहते हैं कि उनको नए टॉयज़ मिल जाएँ, तो यहाँ पर हमारा शौर्य आराम से रिलैक्स होकर बैठा था क्योंकि थक गया था। तो आई होप आपको आज का व्लॉग गाइस पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और देखते रहिए मेरी व्लॉग्स, आई होप आपको पसंद आ ही रहे होंगे। तो जो भी चीज़ें होती हैं मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टेक